अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम व्यूवर्स को EMN टीवी में खुश आमदीद। मैं नाजिया अहमद बहैसियत डायरेक्टर EMN इस्लामिक अकेडमी के साथ वाबस्ता हूँ। आज के मौजू का आगाज करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो फौरी तौर पर आप तक पहुँच सके। इसके साथ साथ लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई करें। जज़ाकअल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक है बातनी बीमारियाँ। तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं या आदत हैं जिसकी वजह से हम इन बीमारियों में मुब्तिला हो जाते हैं। जाहिरी गुनाहों के साथ साथ बातनी गुनाहों के इलाज पर भी भरपूर तवज्जो देना लाजिम है ताकि हम अपने दारे आखिरत को इन तबाहकारियों से महफूज रख सकें। तो बातनी गुनाहों का इल्म हासिल करना भी फर्ज है, क्योंकि जब तक हमें इन बातों का इल्म ही नहीं होगा तो हम इन गुनाहों से कैसे बच सकेंगे। तो आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं रियाकारी के मौजू पर बात करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलाम अलैक या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैक या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैक या नबी अल्लाह व अला आलिक व असहाबिक या नूर अल्लाह। आज इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल हम बातनी बीमारियों के बारे में सीखेंगे। तो जैसा कि हम में से हर एक शख्स को मालूम है कि इस दुनिया में हम अपने अपने हिस्से की जिंदगी गुजार कर हम सबको जहाने आखिरत के सफर पर रवाना हो जाना है। इस सफर के दौरान हमें कब्रो हशर कुल सिरात के नाजुक मरहलों से गुजरना पड़ेगा। इसके बाद जन्नत या दोजख ठिकाना होगा। इस दुनिया में की जाने वाली नेकियां दारे आखिरत की आबादी जबकि गुनाह बर्बादी का सबब बनते हैं। जिस तरह कुछ नेकियां जाहिरी होती हैं जैसा कि नमाज और कुछ बातनी मसलन इखलास, इसी तरह बाज गुनाह भी जाहिरी होते हैं जैसा कि कत्ल और बाज बातनी जैसा कि तकबर। तो इस पुरफितन दौर में अव्वल तो गुनाहों से बचने का जहन बहुत ही कम है और जो खुशनसीब गुनाहों से बचने की कोशिश करते भी हैं तो उनकी ज्यादातर तवज्जो जाहिरी गुनाहों से बचने पर होती है। ऐसे में बातनी गुनाहों का इलाज नहीं हो पाता, हालांकि ये जाहिरी गुनाहों की बनिस्बत ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि एक बातनी गुनाह बेशुमार जाहिरी गुनाहों का सबब बन सकता है। मसलन कत्ल, जुल्म, गीबत, चुगली, ऐबदरी जैसे गुनाहों के पीछे कीने और कीने के पीछे गुस्से का हाथ होना मुमकिन है। चुनाचा अगर बातनी गुनाहों का तसल्ली बख्श इलाज कर लिया जाए तो बहुत से जाहिरी गुनाहों से बचना इंशाअल्लाह अज़्ज़ावजल आसान हो जाएगा। तो अगर हम बातनी गुनाहों से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें बातनी गुनाहों का इल्म हासिल करना होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि रियाकारी ये भी एक बातनी गुनाह है, जैसे कि रिया के लगवी माना दिखावे के हैं और रिया से मुराद ये है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रजा के अलावा किसी और इरादे से इबादत करना। गोया इबादत से यह गर्ज हो कि लोग इसकी इबादत पर आगाह हों ताकि वो उन लोगों से माल बटोरे या लोग उसकी तारीफ करें या उसे नेक आदमी समझें या उसे इज्जत वगैरह दें। जैसा कि हदीस पाक है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के महबूब दाने गयूब मुनज़्ज़हुल अनिल गयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, मुझे तुम पर सबसे ज्यादा शिरके असगर रिया यानी दिखावे में मुब्तिला होने का खौफ है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल कयामत के दिन कुछ लोगों को उनके अमाल की जजा देते वक्त इरशाद फरमाएगा कि इन लोगों के पास जाओ जिनके लिए दुनिया में तुम दिखावा करते थे और देखो कि क्या तुम उनके पास कोई जजा पाते हो। इसी तरह हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि महबूब रब्बुल आलमीन जनाब सादिक अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने बंदों के दरमियान फैसला करने के लिए उन पर अपनी शान के मुताबिक तजल्ली फरमाएगा। उस वक्त हर उम्मत घुटनों के बल खड़ी होगी। सबसे पहले जिन लोगों को बुलाया जाएगा उनमें एक कुरान करीम का हाफिज, दूसरा राह खुदा अज़्ज़ा वजल में मारा जाने वाला शहीद और तीसरा मालदार होगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हाफिज से इरशाद फरमाएगा, क्या मैंने तुझे अपने रसूल पर उतारा हुआ कलाम नहीं सिखाया था? वो अर्ज करेगा, क्यों नहीं ऐ रब अज़्ज़ा वजल? अल्लाह इरशाद फरमाएगा, फिर तूने अपने इल्म पर कितना अमल किया? वर्ड्स करेगा, या रब अज़्ज़ा वजल में दिन रात उसे पढ़ता रहा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाएगा, तू झूठा है। इसी तरह फरिश्ते भी उससे कहेंगे कि तू झूठा है और फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल उससे इरशाद फरमाएगा, तेरा मकसद तो ये था कि लोग तेरे बारे में कहें कि फूला शख्स कारिया कुरान है और वो तुझे दुनिया में कह लिया गया। फिर मालदार को बुलाया जाएगा तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उससे इरशाद फरमाएगा, क्या मैंने तुझ पर अपनी नेमतों को इतना वसी ना किया कि तुझे किसी का मोहताज ना होने दिया? वो अर्ज करेगा, क्यों नहीं ऐ रब अज़्ज़ा वजल? तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाएगा, तूने मेरे अता करदा माल का क्या किया? वो अर्ज करेगा, मैं इस माल के जरिए सिला रहमी करता, तेरी राह में सदका किया करता था।
तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाएगा तू झूठा है। इसी तरह फरिश्ते भी यही कहेंगे कि तू झूठा है। फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल उससे इरशाद फरमाएगा तेरा मकसद तो ये था कि तेरे बारे में ये कहा जाए कि फुला बहुत सखी है और वो तुझे दुनिया में कह लिया गया। फिर राह खुदा में मारे जाने वाले को बुलाया जाएगा तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उससे इरशाद फरमाएगा तुझे क्यों कत्ल किया गया। वर्ज करेगा मुझे तेरी राह में जिहाद करने का हुक्म दिया गया तो मैं तेरी राह में लड़ता रहा और बिल आखिर अपनी जान दे दी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाएगा तू झूठा है। इसी तरह फरिश्ते भी उससे कहेंगे कि तू झूठा है। फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल उससे इरशाद फरमाएगा तेरा मकसद तो ये था कि तेरे बारे में कहा जाए कि फुला बहुत बहादुर है और वो तुझे दुनिया में कह लिया गया। फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल के महबूब दाने अय्यूब मुनज़्ज़हुल अनिल अय्यूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ए अबू हुरैरा ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल की मखलूक के वो पहले तीन अफराद हैं जिनसे क़यामत के दिन जहन्नम को भड़काया जाएगा। रियाकारी गुनाह है मगर अफसोस के आज हम सब रियाकारी कर बैठते हैं और उसकी वजह यह है कि हमें इल्म ही नहीं होता कि रियाकारी है क्या, गुनाह करने की सबसे पहली वजह क्या है, इल्म का ना होना। क्योंकि जब तक हमारे पास इल्म नहीं होगा हम उस गुनाह से कैसे बचेंगे, हमें पता ही नहीं है कि ये हम क्या कर रहे हैं। हम अगर किसी की मदद कर रहे हैं और चार के सामने हम उसको जाहिर कर रहे हैं तो ये तो रियाकारी में चला जाएगा, हमारा वो अमल बर्बाद हो जाएगा। तो हमें इसका इल्म ही नहीं है तो हम उससे बचेंगे कैसे। तो गुनाहों से बचने के लिए सबसे पहले इल्म का होना जरूरी है। जैसे कि आज हमने सीखा रियाकारी के बारे में तो हमें पता चला कि रियाकारी क्या है। अब हम जब किसी की कोई मदद करेंगे या इबादत करेंगे तो हमने सीखी हुई बात हमारे जहन में आएगी कि भाई हमें सिर्फ खालिस अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए अमल करना है तो हम उस गुनाह से बचेंगे भी, रियाकारी से बचेंगे भी। तो कोशिश करनी चाहिए हमें कि हम अपनी जिंदगी में से थोड़ा सा वक्त निकाल के इल्म दीन जरूर हासिल करें। हम रोजाना कोई एक बात सीखें और उस पर हम अमल भी करें तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल इस तरह से हम अपनी जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक बहुत अच्छी तरह से गुजार सकते हैं। तो अब हम नियत कर लेते हैं इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल हम अपनी जिंदगी की मसरूफियात में से थोड़ा सा टाइम निकाल के इल्मे दीन इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल जरूर सीखेंगे और जब हम इल्मे दीन सीखेंगे तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर अमल खुद भी करेंगे और दूसरों को भी कराएंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो अब हम नियत कर लेते हैं इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल हम अपनी जिंदगी की मसरूफियात में से थोड़ा सा टाइम निकाल के इल्मे दीन इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल जरूर सीखेंगे और जब हम इल्मे दीन सीखेंगे तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर अमल खुद भी करेंगे और दूसरों को भी कराएंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल।